अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटेड इफ का फार्मूला। इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारे पास दो डेट हैं, उनमें हमने ईयर्स मंथ या डेज वगैरह को काउंट करना हो या किसी भी फॉर्मेट में देखना हो, तो उस पर्पस के लिए हम डेटेड इफ का फार्मूला यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और स्मार्टेस्ट वे के जरिए हमारे जो ड्यूरेशन है उसको मल्टीपल वे में दिखाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ हम वाई लिखेंगे। वाई से मराद है ईयर्स, ये हमें ईयर लेकर यहाँ दिखा देगा। अगर हम इसको एज इट इज एंटर कर देते हैं तो ये मेरे पास 35 ईयर्स आ गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसके साथ ईयर्स लिखा है तो उसके लिए मैं यहाँ एंड का फंक्शन यूज करूंगा, एंड इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ लिख दूंगा वाई ए आर ईयर्स, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये मेरे पास 35 ईयर्स आ गए, ठीक है। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मंथ भी ऐड करूँ, तो इसको कंट्रोल डी करके यहाँ मैंने ऊपर वाला फार्मूला नीचे कॉपी कर लिया, और यहाँ मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ईयर्स के साथ मंथ भी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ एंड का फंक्शन यूज करेंगे, एंड डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट डेट एंड कॉमा फिर एंड डेट कॉमा, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पहले हमने ईयर लिखा है, वाई से होता है ईयर, और यहाँ ईयर मंथ वाई एम ईयर मंथ, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ हम लिख देंगे मंथ, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी दो। और ये देखिए हमारे पास 29 साल 3 माह आ गए, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मंथ के साथ मेरे पास डेज भी आ जाए, तो सेम वही हमने करना है, एंड डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट डेट, ये हमारे पास स्टार्ट डेट है, कॉमा एंड डेट फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहले हमने लिखा था मंथ मंथ ईयर मंथ और मंथ डेज, यहाँ एम डी लिखेंगे, एम डी मुराद मंथ डेज, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ लिख देंगे डेज इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास 35 ईयर्स 10 मंथ और 25 डेज है। अब आप चाह रहे हैं कि ये 35 के या 31 के बाद ईयर्स में एक कॉमा या डैश आ जाए, तो यहाँ मैं इसको देखें यहाँ स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ स्पेस दे दूंगा, और यहाँ मैं इसको मंथ के बाद भी स्पेस दे दूंगा, और इसको ये देखें अब इनमें 31 ईयर्स स्पेस 8 मंथ स्पेस 3 डेज। अब इसमें आपने अगर कॉमा ऐड करना है या डैश ऐड करनी है, ये देखें आप यहाँ डैश ऐड कर सकते हैं, मैंने डैश ऐड कर दी, और यहाँ मंथ्स के बाद मैंने डैश ऐड कर दी, और ये देखिए 37 ईयर्स 6 मंथ और 23 डेज। और इस फार्मूले को आप नीचे ड्रा करना है, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, तो ये आपके पास नीचे फार्मूला ड्रा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर जाहिर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।